नमस्ते, आज मैं खट्टा मीठा चटनी बनाऊंगी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए: खजूर 120 ग्राम, 100 ग्राम गुड़, 20 ग्राम इमली, जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून काला नमक, ग्रेटेड 2 इंच ग्रेटेड अदरक, 1 पिंच हींग और 1/2 टेबलस्पून सूखे हुए लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम खजूर को काटेंगे। देखिए ऐसे करके छोटा छोटा बारीक। सब भी बाहर निकल देंगे। ऐसा करके सारा खजूर को हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। देखिए खजूर बारीक से काटना हो गया। इसके बाद हम ये गुड़ को पानी से गर्म करके चाशनी बना लेंगे। पहले गैस को ऑन कीजिए, उसके बाद गुड़ को डाल दीजिए। हाफ ग्लास पानी दे दीजिए। निकल जाएगा चाशनी। तैयार करके गैस को फुल फ्लेम में रखिए। पांच सात मिनट तक इसको पिघल ले दीजिए। देखिए चाशनी हो गया गुड़ का। इसको थोड़ा सा छान लेते हैं। गुड़ को थोड़ा सा छान लेते हैं। देखिए अंदर निकल गया। चाशनी रेडी हो गया। इसके बाद ये इमली को थोड़ा सा मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी को थोड़ा सा पानी देके हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी दे दीजिए और इसको अच्छा लिक्विड पेस्ट बना लीजिए। इमली का पेस्ट हो गया। इसको थोड़ा सा छान लेते हैं। देखिए ऐसे करके 2-3 टाइम हम छान लिया। देखिए इमली का पल्प निकल गया, एकदम स्मूथ पल्प। गैस ऑन कीजिए हाई फ्लेम में। खजूर को सब डाल दीजिए। गुड़ का चाशनी को दीजिए। इमली का पेस्ट को दीजिए। जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हींग, 2 इंच ग्रेटेड अदरक, 1 टेबलस्पून काले नमक, नमक दीजिए। टेस्ट करके
सॉल्ट दीजिए। हाई फ्लेम में गैस है, थोड़ा सा सीम कर दीजिए, टाइम दीजिए होने के लिए 5 to 7 मिनट। और थोड़ा सा खजूर को थोड़ा सा काट काट दीजिए ऐसे ऐसे। इतना घना हो गया, देखिए। और थोड़ा गाढ़े होने दीजिए। देखिए रेडी हो गया पूरा, एकदम घना हो गया गाढ़ा। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। डाल दीजिए इसको, ठंडा करके फ्रिज में रखिए और कचौरी सिंघाड़ा का साथ एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।